हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक लॉन्ग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक पैसेज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, यह यूपी बोर्ड क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आपको ट्रांसलेशन करने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो यूज आए हैं उन्हें भी सिखाने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फ्रेंड्स, देखते हैं आपका पहला सेंटेंस है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देखें चाहिए ना चाहिए आपको अर्थ देखने को मिला है। चाहिए जैसे तुम्हें खेलना चाहिए तो यू शुड। तो फ्रेंड्स, आपको शुड प्लस वी वन का यूज करना होता है। शुड प्लस वी वन का, तुम्हें खेलना चाहिए तो यू शुड प्ले, उसे पढ़ना चाहिए तो ही शुड रीड, हमें खाना खाना चाहिए तो वी शुड ईट फूड, इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो किसे निराश नहीं होना चाहिए हमें, तो हमें के लिए आपको लिखना होगा फ्रेंड्स वी वी। अब चाहिए सुड़, वी सुड़, अब कभी नहीं, तो आप जानते हैं कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं, तो नेवर, वी सुड़ नेवर होने के लिए आप लिखेंगे वी वी सुड़ नेवर वी। और निराश के लिए होता है फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड, तो आप लिख देंगे डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड माने निराश। किससे, तो फ्रेंड्स से प्रपोजिशन विद का यूज करेंगे, तो विद असफलता, असफलता के लिए होती है फेलियर, फेलियर। तो आपका ट्रेंस इस प्रकार से यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, वी शुड नेवर वी डिसअपॉइंटेड विद फेलियर। जैसे उसे पेन से लिखना चाहिए तो ही शुड राइट विद पेन, तो इस प्रकार से आप से का यूज जो इंग्लिश होता है विद का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है, सफलता और असफलता बहने हैं। आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि सफलता और असफलता बहन के समान है, या फिर सिंपल तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो सफलता सक्सेस एंड, और के लिए आप लिख देंगे एंड, असफलता तो फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर हैं आर। आप चाहें तो लाइक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो बहनों के लिए केवल सिस्टर्स लिख दें, सिस्टर्स। सिंपल सेंटेंस था क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन नहीं होता है तो केवल आप एज एम आर बॉज वर्ब का यूज करते हैं। जैसे वह एक अध्यापक है तो ही इज अ टीचर, तो आप देखें कोई एक्शन नहीं हुआ है तो इज का यूज किया गया है। महात्मा गांधी भारत के महान पुरुष थे, तो गांधी बॉज या महात्मा गांधी बॉज आ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स आपका, असफलता हमारी आंखें खोलती है। तो फ्रेंड्स आप देखें खोलती है, आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आंखें खोलती है, कौन खोलती है, असफलता, तो आप लिखेंगे फेलियर, फेलियर। खोलती है तो ओपन, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको इसमें एस ऐड करना है, तो फेलियर ओपन्स हमारी आंखें, तो अवर आइज, अवर आइज, फेलियर ओपन्स अवर आइज। जैसे आप जानते हैं वह खेलता है तो ही प्लेज, वह खाना पकाती है सी कुक्स फूड, इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है फेलियर ओपन्स अवर आइज। और एंड, और के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स एंड, हमारी कमजोरियों को, यानी हमारी कमजोरियों को उजागर करती है, और हमारी कमजोरियों को उजागर करती है, उजागर करती है अर्थात फ्रेंड्स या तो हमारे सामने रखती है, इसके लिए आप या तो लिख सकते हैं पुट फोर्थ, या आप कह सकते हैं पुट्स फोर्थ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये नहीं लिखाना लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एंड सोस, यानी दिखाती है, एंड सोस क्या दिखाती है, हमारी कमजोरियों को, तो अवर वीकनेस, अवर वीकनेस। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, फेलियर ओपन्स अवर आइज एंड सोस अवर वीकनेस। तो आप चाहें तो फ्रेंड सोच की जगह पर पुट्स फोर्थ तो लिख सकते हैं, यानी हमारे सामने रखती है। आपका अगला सेंटेंस है, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। कौन सफल हो सकते हैं फ्रेंड्स, हम सफल हो सकते हैं, तो हम के लिए आप लिखेंगे वी
हो सकते हैं, सकता सकती, तो आपको कैन का यूज करना है क्योंकि प्रेजेंट है, तो कैन, वी कैन सफल सक्सीड, वी कैन सक्सीड, पुनः के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स अगेन, और उन्हें दूर करके अर्थात उन पर विजय प्राप्त करके, या उन्हें दूर करके यानी अवॉइड यानी उनसे बचकर, आप चाहें तो अवॉइड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लिखेंगे वाई। कार्य करके जब आप सेंटेंस में जोड़ते हैं तो बाई प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ना होता है, या फिर आप स्टार्ट में आई एन जी से सेंटेंस को बना सकते थे। तो आपको लिखना हुआ वी कैन सक्सीड अगेन वाई, कार्य करके आता है तो फ्रेंड्स आपको वाई का यूज करना है। अब आपको क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी करना है यानी दूर करके या तो उन पर विजय प्राप्त करके, तो ओवर कमिंग, ओवर कमिंग उन्हें की बोले तो देम, तो आपका फ्रेंड्स पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा वी कैन सक्सीडेड अगेन वाई ओवर पावरिंग देम। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में असफल होते हैं, असफल होते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वे भी असफल हो जाते हैं, तो आपको लिखना होगा बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो ग्रेट, ग्रेट यानी कि महान या बड़ा भी होता है, तो ग्रेट मतलब महान या बड़ा। वैज्ञानिक क्या आप जानते हैं, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, आप देखें तो फ्रेंड्स बहुत की बात कीजिए तो आप प्लूरल बना देंगे, ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक असफल होते हैं, तो असफल होने का आप जानते हैं फेल, ग्रेट साइंटिस्ट फेल अपने प्रयोगों में, अपने प्रयोगों में, तो मैं के लिए आप जाएंगे एन अपना, तो फ्रेंड्स अपना अपनी का जो पजेसिव केस लगाते हैं तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको दे सब्जेक्ट मानेंगे तो देयर का यूज करना है, अगर ही होता तो हिज का करते, आई होता तो माई का, तो आपको लिखना होगा यहाँ देयर, इन देयर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट्स फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं या पराजित होते हैं, तो फ्रेंड्स पराजित होते हैं या पैसिव वॉइस से किसी दूसरे के द्वारा पराजित किया जाता है, जैसे कि मुझे पीटा जाता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है क्योंकि काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, यानी मुझे पीटने का कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, तो आप बनाएंगे आई एम बीटन यानी मुझे पीटा जाता है, तो इसीलिए बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं अर्थात पराजित किए जाते हैं यानी किसी दूसरे के द्वारा हराए जाते हैं, तो आपको लिखना होगा ग्रेट बड़े बड़े के लिए, और योद्धा के लिए आप जानते हैं वॉरियर्स, वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स पराजित हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा हारे जाते हैं, तो ग्रेट वॉरियर्स आर पराजित होते हैं अर्थात हराए जाते हैं, तो डिफीटेड, डिफीटेड B3 का यूज करना होगा। किताब पढ़ी जाती है तो द बुक इज रेड, किसी दूसरे के द्वारा पढ़ी गई है। फूल तोड़े जाते हैं तो द फ्लावर्स आर प्लग्ड, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा तोड़े गए हैं, तो इसी प्रकार से ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड हार जाते हैं, कहाँ हार जाते हैं फ्रेंड्स, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में, तो इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड या बैटल फील्ड्स लिख सकते हैं यानी युद्ध के मैदानों में, ठीक है, तो ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड इन नेता चुनाव यानी कि चुनावों में हार जाते हैं, महान नेता चुनावों में हार जाते हैं अर्थात तो वे अपने चुनाव को खो देते हैं, तो द या फिर ग्रेट, ग्रेट लीडर्स हार जाते हैं, तो लॉस, लॉस इन या लॉस इलेक्शन, लॉस देयर इलेक्शंस, इलेक्शंस यानी कि अपने इलेक्शंस को हार जाते हैं अर्थात खो देते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है वट पर यानी पर लेकिन पर, तो इसके लिए आप फ्रेंड्स आप वट का यूज करना है, कनेक्टिव वर्ड है, तो वट लेकिन के लिए आप लिखेंगे वट, वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं,
पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो आप फ्रेंड्स देखे हैं, कोई कार्य करता रहता है यानी ता रहता है ती रहते हैं, तो इसमें आपको कीप ऑन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना होता है। जैसे वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रीडिंग, तुम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग, वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, वह नाचती रहती है, सी कीप्स ऑन डांसिंग, मैं पढ़ाता रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग। तो इसी प्रकार से पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। पर के लिए आपने लिखा व्हाट, वे के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स दे, दे अब आपको कीप कीप का यूज करना है, कीप ऑन, कीप ऑन का यूज किया जाता है किसी कार्य को करते रहना। आप चाहें तो यहाँ गो ऑन का भी यूज कर सकते हैं, दे कीप ऑन। तो फ्रेंड्स आगे है प्रयास, प्रयास के लिए आपको लिखना है ट्राई, तो उसी में आपको आई एन जी एड कर देना है, तो ट्राइंग, बट दे कीप ऑन ट्राइंग, निरंतर, सीजलेसली, सीजलेसली, निरंतर के लिए होता है फ्रेंड्स सीजलेसली। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट दे कीप ऑन ट्राइंग सीजलेसली, यानी निरंतर रूप से। और के लिए आप लिखेंगे एंड, 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 एक दिन अवश्य सफल होते हैं, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, एंड सक्सेस, एंड सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, सक्सेस वन डे, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे सक्सीड लिख दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड सक्सीड, एंड सक्सीड वन डे, एक दिन, आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंड गेट, एंड गेट सक्सेस वन डे, या फिर लिख सकते हैं आप एंड सक्सीड वन डे, आप चाहें जिस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक्शन भी हुआ है, तो किसे नहीं होना चाहिए, तो हम अपने के लिए यानी वी का यूज कर सकते हैं, या फिर इनडेफिनेट एक प्रोनाउन वन का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ मैं वी लिख देता हूँ, वी यानी हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो वी सोल, वी सोल, कभी नहीं, नेवर, वी सोल नेवर, यानी कभी नहीं होना वी डिसअपॉइंटेड, जैसा कि आप पहले भी यूज कर सकते हैं इसे, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। देखकर, तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कर या कर आए, तो बाई प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यूज करना है, तो आप लिखेंगे यहां वाई सीन, वाई सीन, यानी देखकर, बाई सीन, क्या चीज फ्रेंड्स, कठिनाइयां, तो द डिफिकल्टीज, द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, मार्ग की, तो ऑफ द वे, ऑफ द वे, तो पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा फ्रेंड्स, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग द डिफिकल्टीज ऑफ द वे। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है कि यदि दृढ़, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहीं तक कर लें तो, यानी यदि हम अपना मन बना लें तो, यदि के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स इफ, हम निश्चय कर लें, यानी वी, या तो आप लिख सकते हैं फर्म माइंड या फर्म पर्पज, या फिर ये नहीं लिखें तो आप लिख सकते हैं इफ वी मेकअप, मेक अप अवर माइंड, अवर माइंड, ये फ्रेज है फ्रेंड्स पूरा इसीलिए यूज होता है, इफ वी मेक अप अवर माइंड, या फिर आप लिख सकते हैं वी, इफ वी, इफ वी, इफ वी फॉर्म पर्पज, फॉर्म एफ आई आर एम, पर्पज पी यू आर पी यू एस ई, पर्पज, तो इफ वी मेक अप अवर माइंड, तो के लिए फ्रेंड्स इसके साथ कॉमा से वर्क करते हैं, तो कॉमा, कोई भी चीज असंभव नहीं है, तो इट, इट इज, या फिर आप सीधा लिख दें नथिंग इज इम्पॉसिबल, ज्यादा बेहतर रहेगा, नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल,
इम्पॉन्सिबल, नथिंग इज इम्पॉन्सिबल। तो इफ वी मेक अप अवर माइंड या फिर इफ वी फॉर्म पर्पज कॉमा देने के बाद नथिंग इज इम्पॉन्सिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। आगे है फ्रेंड्स, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है जीवन, तो लाइफ लाइफ है, तो इज लाइफ इज यानी जीवन है सेकंड दूसरा सेकंड नेम ऑफ सेकंड नेम ऑफ संघर्ष स्ट्रगल। तो लाइफ इज सेकंड नेम ऑफ स्ट्रगल, यानी कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स आप सेकंड की जगह पर अदर का यूज कर सकते हैं, यानी लाइफ इज अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। आगे है, यह फूलों की सेज नहीं है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप एक फ्रेज का यूज करते हैं, इट इज नॉट, यानी इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, इस फ्रेज का आप यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फील्ड्स युद्ध के मैदान के होते हैं फ्रेंड्स, बैटल फील्ड्स। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस